ऑल ऑफ यू, आज का ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर 8 है एक्सर्प्ट्स फ्रॉम कुकूज डायरी। एक्सर्प्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी बुक या फिर किसी भी फिल्म, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा जो एक कुकू, जो कुकू नाम का मतलब एक कॉकरोच है, उसने एक डायरी लिखी है, उसका ये कुछ अंश है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुकू द कॉकरोच। यू विल फाइंड मी नाइस एंड इंटरेस्टिंग एंड आई एम ब्यूटिफुल, देयर कैन बी no doubt about that. The place where I live was a very nice lady, but let me tell you about my birth and my family members first. Hello friends, मैं कुकू हूँ, कॉकरोच। आप लोग ने मुझे बहुत जगह ढूंढा होगा। मैं जो हूँ बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग हूँ, जैसा कि आप, मैं बहुत सुंदर हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की जो लेडी है बहुत अच्छी है। चलो सबसे पहले मैं आपको अपने जन्म और अपने फैमिली परिवार के बारे में बताता हूँ। अ किचन इज द फेवरेट प्लेस फॉर अस टू लिव एंड द वन विद नॉट वेरी क्लीन प्लेसेस इज द बेस्ट प्लेस वी कैन फाइंड। यू सी वी लिव इन डर्टी प्लेसेस सो डैट अदर्स कैन लिव इन क्लीन प्लेसेस। लुक वॉट अ ग्रेट सेक्रीफाइस वी डू मेक। एक किचन जो है हमारा रहने का एक बहुत अच्छा, रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। हम ज़्यादातर क्या गंदी, मतलब साफ जगहों पे नहीं रहते। हम जो है ज़्यादातर गंदी, आप जो है हमें, आपने हमें गंदी प्लेसेस पे देखा होगा। हम क्योंकि क्लीन प्लेसेस क्या है, हम आपके लिए मतलब दूसरे लोगों के रहने के लिए छोड़ देते हैं। व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज वेरी स्मॉल एंड क्यूट एंड माई पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर अ न्यू होम इन द किचन ऑफ दिस हाउस। We found the cupboard and it seemed to us a perfect place to live. The lady of the house seemed very friendly. She least bothered about our presence and we thought that she was the gentlest lady in the world. But then one day she took out a spray. She called it the hit spray and sprayed it all over my family. In no time, all my family members were sent to heaven. I saw all this from a distance because at the sad hour I was not with my family. All of a sudden I was alone in this wide wide world. जब मैं पैदा हुआ मैं बहुत छोटा और बहुत प्यारा था। मेरे जो पेरेंट्स मतलब माता पिता थे वो रहने के लिए नया घर ढूंढ रहे थे। हमने उसी घर में एक किचन ढूंढा जिसमें एक कबर्ड था। हमने हमारे रहने के लिए वो सबसे अच्छी जगह थी। जो वहाँ की जो लेडी थी वो हमें बहुत फ्रेंडली लगी, जब तक उसे हमारी मौजूदगी पे का एहसास नहीं हुआ, हमारी प्रेजेंस, मतलब हम जब तक उन्हें परेशान नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, लेडी ने एक स्प्रे निकाला जिसे वो हिट स्प्रे बोलती है, और उसने क्या किया, मेरी सारी फैमिली पे वो स्प्रे कर दिया। और ज़्यादा देर में नहीं मेरी फैमिली जो है कुछ ही टाइम में जो है स्वर्ग पहुँच गई, मतलब वह मेरी फैमिली मर गई। मैं सबको दूर खड़ा देखता रहा उदास भरी निगाहों से। कुछ ही देर में अचानक से मुझे बहुत अकेला महसूस होने लगा इस बड़ी दुनिया में। आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ द लेडी सो आई केप्ट माई सेल्फ इन हाइडिंग ऑल द टाइम। आई वुड गो आउट ओनली इन द डेड ऑफ द नाइट बिकॉज आई कुड नॉट लिव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द मोर व्हेन आई हर्ड द लेडी टेलिंग हर फ्रेंड दैट शी हैड किल्ड all the cockroaches with one gust of the spray. I needed to search a safer place for myself, which I found under the sink. It was certainly a nice place for me, as there was plenty of food and nobody bothered about me there. Soon I grew into a healthy soul and lived peacefully. क्या हुआ, इस सब घटना के बाद मैं जो है बहुत डर गया उस लेडी को लेके, और मैंने जो है खुद को छुपाना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं जो है ज़्यादातर रात के अंधेरे में निकलता था क्योंकि मैं ज़्यादा देर बिना खाने के नहीं रह सकता था। मैं बहुत डर गया था। जब मैंने सुना कि लेडी जो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, मैंने बहुत सारे कॉकरोचेस को मार दिया एक स्प्रे की बौछार में। मुझे अब अपने लिए एक सेफ प्लेस, शांत प्लेस ढूंढने की ज़रूरत थी, जहाँ पे, और फिर मैंने सिंक ढूंढा।
और वह जो सिंह है मेरे लिए बहुत अच्छी जगह होगी रहने के लिए। वहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं थी और ना ही मुझे परेशान करने वाला कोई था। कुछ ही समय बाद क्या हुआ, मैं जो हूँ बहुत हेल्दी, अच्छा खासा शांति से बड़ा हुआ और बहुत एक हेल्दी कॉकरोच बन गया। आई वॉज वंस अगेन स्केयर्ड वन डे वेन द लेडी स्टार्टेड क्लीनिंग द किचन। सी क्लीन द किचन नॉट वेरी ऑफन। आई लुक एट हर क्लीनिंग द गैस स्टोव द कबर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स विच सी डिड नॉट क्लीन डेली। आई लुक एट हर थ्रू द होल्स ऑफ द सिंक वेटिंग फॉर माई एंड। द लेडी सीम टू बी इन गुड मूड। आई वॉज श्योर दैट श्योर शी हैड स्पॉटेड मी बट शी डिड नॉट एनी थिंग। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक दिन लेडी ने जो है सारा किचन की जो है सफाई शुरू की। उसने क्या किया, पहले गैस स्टोव को साफ किया, फिर कवर्ड को साफ किया। और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें साफ की जो वो कभी करती नहीं थी। मैं जो है यह सब अब सिंक में छुपके देख रहा था, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम जो है लेडी का मूड सही था, तो उसने जो है वह जो है मुझे ढूंढ नहीं पाई। शी डिड नॉट इवन क्लीन द सिंक। आई स्टार्टेड टू कंसिडर द लेडी नाइस एंड जेंटल। सी नाउ सीम्ड काइंड टू मी। लेडी जो है उसने सिंक को साफ नहीं किया। मैं जो है अब लेडी को अच्छा मानने लग गया था, क्योंकि वह जो है उसने मेरे प्रति दयालुता दिखाई। उसे कॉकरोच को ऐसा लगता था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिसीव्ड लाइक माई पेरेंट्स। टू चेक इफ शी वॉज रियली काइंड एंड मर्सीफुल आई रेन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द किचन टू अनदर बिफोर हर वेरी आईज। बट शी डिड नॉट डू एनीथिंग टू हार्म मी, नॉर डिड शी ब्रिंग हर स्प्रे। आई वॉज श्योर डैट द लेडी अंडरस्टूड इट वेल दैट अ लाइफ इज अ लाइफ एंड शी हैड नो राइट टू डिस्ट्रॉय इट। मोर ओवर कॉकरोचेस हैव बीन ऑन द अर्थ मच बिफोर ह्यूमन्स वर बॉर्न, सो वी हैव बेटर राइट टू लिव एंड एंजॉय आवर सेल्फ। नॉट ओनली दिस, वी ईट लिटिल एंड आर फार स्मॉलर देन दैम एंड इट इज ड्यूटी ऑल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द बिग टू बी काइंड एंड मर्सीफुल टू बी वीकर सोल्स। क्योंकि मैंने जो है अपनी पेरेंट्स की तरह जो है मैंने जो है अपने पेरेंट्स की तरह उस लेडी से निर्दयालुता की उम्मीद नहीं की, इसलिए मैंने चेक करने के लिए किचन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैंने दौड़ लगाई। लेकिन लेडी को जो है कोई फर्क नहीं हुआ, ना ही उसने कोई स्प्रे निकाला मुझे मारने के लिए। अब जो मैं निश्चिंत हो गया था कि लेडी लेडी को समझ आ गया है कि लाइफ जीवन भी जीवन होता है और इसे इसे मारने का डिस्ट्रॉय करने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो कॉकरोचेस ही क्यों ना हो। कॉकरोचेस जो है पहले ह्यूमन से पहले आए थे और हमारी ज़िंदगी के हम तो कम खाते हैं और हम जो है इनसे बहुत छोटे होते हैं। इसलिए सभी बिग मतलब बड़े और स्ट्रॉन्ग ताकतवर प्राणी का वो हक बनता है कि अपने से कम कमज़ोर प्राणी की वो मदद करे। माई लाइफ सीम टू बी क्वाइट सेटल एंड पीसफुल। द लेडी डिड नॉट सीम टू बोदर अबाउट मी अ बिट। मेरी जो लाइफ है वो शांतिपूर्वक जी रही थी मैं, और लेडी जो है अब उसने मुझे परेशान नहीं किया। लुकिंग एट हर जेंटलनेस आई हैव डिसाइडेड टू वेंचर आउट इन द किचन व्हेन द लेडी कम्स इन द टुमारो मॉर्निंग। आई शेल पे हर माई रिस्पेक्ट एंड शे हर हेलो। आई शेल ऑल्सो थैंक हर फॉर हर काइंडनेस। इट इज ऑलरेडी लेट एट नाइट एंड आई हैव टू डू द इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ मीटिंग द लेडी, सो आई मस्ट स्लीप नाउ। आई शेल राइट एनी फर्दर आफ्टर माई मीटिंग विद द लेडी माई मी गॉड ब्लेस हर। मतलब लेडी ने जो है कॉकरोच मतलब जो कुकू जो है उसके प्रति इतनी 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 सहानुभूति दिखाई, तो कुकू ने सोचा कि वह जो है उसको उसको अगर हेलो बोलेगा मतलब उसको बोलेगा कि थैंक यू, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो और अब जो है बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो उसने सोचा कि वह जो है कल सुबह यह काम करेगा, इसलिए वो सो गया उस टाइम।
postscript added by the lady's son. Unfortunately, Cuckoo carried out his plan. He came out and stood near the gas stove when my mother came to the kitchen. He wished her, but my mother could not see his friendly gesture. She immediately took out the spray and in one hit, Cuckoo's soul accompanied the souls of his family members. क्या हुआ? Unfortunately, मतलब कुकू जो है जैसा उसने सोचा था वो उसी हिसाब से जो है बाहर आया अपने घर से सिंक से, अब वह जो है गैस स्टोव के पास जाके खड़ा हो गया. लेकिन जो है मेरी मम्मी मतलब लेडी का जो सन था उसने आगे बताते हुए मतलब आगे उसने पूरा किया स्टोरी को. उसने बोला कि मेरी मम्मी ने उसका इशारा नहीं समझ पाई और उन्होंने क्या किया, हिट स्प्रे निकाला और उससे एक ही स्प्रे में कुकू को जो है उसकी फैमिली के पास पहुंचा दिया. अब हम ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. अब हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट करेंगे. हमारा क्वेश्चन क्या, टिक द राइट अल्टरनेटिव्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. दिस इज द स्टोरी ऑफ कुकू द कॉकरोच. किसकी स्टोरी थी ये, कुकू द कॉकरोच की. अ किचन इज द फेवरेट प्लेस फॉर अ कॉकरोच. The family members of Cuckoo were spread to death. The lady appeared to be kind to Cuckoo. The story was finally completed by lady's son. Right, true or false? True or false करना है. This is a story of cockroach. क्या ये story cockroach से related थी, तो true. The cupboard in the dining room appeared to be perfect place to live. नहीं, इसका answer क्या होगा, false. क्योंकि cupboard कहाँ था, वो kitchen में था. Cuckoo was emboldened when the lady started cleaning the किचन. क्या कुकू ने उसकी मदद की थी लेडी की किचन साफ करने में, तो फॉल्स. द लेडी किल्ड ऑल कॉकरोचेस यूजिंग द हिट स्प्रे. लेडी ने सब सारे कॉकरोचेस को हिट स्प्रे से मार दिया, तो ट्रू. कुकू प्लान टू मीट द लेडी इन द मॉर्निंग. कुकू ने प्लान किया था सुबह लेडी से मिलने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू. कुकू स्टोरी वॉज कम्प्लीटेड बाय द लेडी. रॉन्ग, क्योंकि कुकू की स्टोरी किसने कम्प्लीट की थी, लेडी के बेटे ने. Vocabulary skills. Here are some common nouns and proper nouns. You have to add one proper noun to each. मतलब क्या बोला, इधर common noun लिखना है, इधर proper noun लिखा है, आपको कुछ और proper noun लिखने. जैसे day का क्या हो गया, Sunday. Months का मार्च. Country का इंडिया. Teacher Mrs. प्रभा. Hero वरुण धवन. Book पीटर पैन. Leader सुभाष चंद्र बोस. Film होगी जुमानजी. Next है grammar skill. Add suitable adjective to the following paragraph. क्या बोला है, इसमें ये adjective दे रखे, इसको आपको नीचे इन paragraphs में भरना है. It was a sunny day, so we decided to go for a picnic. Not far we had gone that it became cloudy. And it started to rain. क्या हुआ, बहुत मतलब अच्छा मौसम था, सूरज वाला मौसम था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम पिकनिक पे जाएंगे. लेकिन हम जैसे ही कुछ देर निकले, मौसम कैसा हो गया, क्लाउडी हो गया, बादलों वाला, और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. ऑल द रोड्स बिकेम मडी. रोड्स कैसे हो गए थे, कीचड़ वाले. द पिकनिक स्पॉट वॉज ऑल वेट. मतलब पिकनिक का जो स्पॉट था, पिकनिक वाली जगह थी, वो सारी गीली हो गई थी. एंड वी हैड नो प्लेस टू सिट एंड एंजॉय. और हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी बैठने के लिए और ना ही मस्ती करने के लिए. वी कंटिन्यू टू सिट इन आवर कार एज द आइडिया ऑफ अ जॉयफुल पिकनिक वैनिश्ड इन टू थिन एयर. क्या हुआ, हम जो अपनी कार में बैठ के, हम अपनी कार में ही बैठे रहे और जो हमारे जो पिकनिक का जो प्लान था, मस्ती वाले पिकनिक का प्लान था, वो बिल्कुल ख़राब हो गया क्योंकि बाहर बहुत हवा भी चल रही थी. हाउएवर वी न्यू हाउ टू एंजॉय आवर सेल्फ, सो वी स्टार्टेड टेलिंग विटी जोक्स वन आफ्टर अनदर एंड आवर कार फिल्ड विद द लाउड लाफ्टर. फिर हमें पता था हमें कैसे इंजॉय करना है, तो हमने जोक्स शुरू किए और हमारा जो कार है बहुत जोर जोर से हंसी से भर गया था. द वेदर बिकेम क्लियर ओनली टू आवर्स लेटर. नाउ वी वॉन्टेड टू रिटर्न देन स्टे देयर, सो वी रिटर्न होम विद नॉट सो स्वीट मेमोरीज ऑफ द पिकनिक. क्या हो गया, वेदर जो है, मौसम जो है, 2 घंटे में ही ठीक हो गया था, तो अब हमने घर जाने का सोचा. लेकिन हमारे साथ ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स नहीं थे पिकनिक के. ये हमारा बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होता है. अब हम इससे रिलेटेड
वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट 49 है, डेट 21 दिसंबर 2020 है, डे हमारा मंडे है। चैप्टर 8 जो मैंने एग्जर्प्ट्स फ्रॉम कुकू डायरी करवाई थी उसी से रिलेटेड ही हमारी वर्कशीट है। पहला है वर्ड मीनिंग, क्यूट प्यारा, हाइडिंग छुपना, वेंचर आउट बाहरी साहसिक कार्य, गेस्टर इशारा, बोधर नाक में दम करना या परेशान करना, गश बौछार, पोस्ट स्क्रिप्ट उपसंहार अनुलेख, पीसफुली शांति से, हेवन स्वर्ग। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज राइटिंग हिज स्टोरी, स्टोरी किसने लिखी थी। द स्टोरी रिटन बाय कुकू द कॉकरोच, स्टोरी कितने किसने लिखी थी तो कुकू द कॉकरोच ने। सेकेंड है हाउ डिड कुकूज फैमिली थिंक दैट द लेडी वॉज जेंटल, कुकू फैमिली ने कैसे सोचा कि लेडी जो है बहुत अच्छी है। कुकू फैमिली थॉट दैट द लेडी ऑफ द हाउस सीम्ड वेरी फ्रेंडली, सी लिस्ट बोदर्ड अबाउट कुकूज फैमिली प्रेजेंस एंड दे थॉट दैट शी वॉज द जेंटलेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। कुकू की जो फैमिली थी उन्होंने सोचा कि लेडी जो है हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, उसे जो है कोई परेशानी नहीं है हमारे यहाँ रहने से, उसने सोचा दुनिया की सबसे अच्छी है ये लेडी। हाउ डिड कुकूज फैमिली मेम्बर्स डाई, मतलब कुकी की फैमिली कैसे मर गई। वन डे द लेडी ऑफ द हाउस लुक आउट अ स्प्रे, शी कॉल्ड इट द हिट स्प्रे एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर हिज फैमिली, इन नो टाइम ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स वर सेंट टू हेवन। क्या हुआ, एक दिन जो है लेडी ने स्प्रे निकाला जिसे वो हिट स्प्रे बोलती थी, और उसने कुकू की सारी फैमिली के ऊपर उसे स्प्रे कर दिया, उससे क्या हुआ कुछ ही देर में कुकू की फैमिली जो है स्वर्ग पहुंच गई, मतलब मर गई। वाई डिड कुकू थिंक दैट ही शुड गो आउट टू पे हर रिस्पेक्ट, कुकू ने क्यों सोचा कि वह जो बाहर निकल के जो है लेडी को रिस्पेक्ट इज्जत देगा। He thought that he did not want to be deceived like his parents. He ran from one corner of the kitchen to another, but she did not do anything to harm him, nor did she bring her spray, so he should go out to pay her respect. Kukun, उसने सोचा कि लेडी ने उसके साथ ना ही कोई बुरा व्यवहार किया, उसने क्या एक किचन के एक छोर से दूसरे छोर तक उसने दौड़ लगाई कुकू ने, लेकिन जो है लेडी ने उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाई, उसने ना ही यहाँ तक कि स्प्रे भी नहीं निकाला उसको मारने के लिए। हु कंप्लीटेड कुकूज स्टोरी, द लेडीज सन कंप्लीटेड कुकूज स्टोरी, कुकू की स्टोरी किसने कंप्लीट की तो लेडी के सन ने। व्हाट हैपेंड टू कुकू इन द एंड, कुकू के साथ लास्ट में क्या हुआ। He came out as per his plan and stood near the guest room. When the lady came to the kitchen, he wished her, but the lady could not see his friendly guest. She immediately took out the spray and in one hit, Cuckoo's soul accompanied the soul of his family members. क्या हुआ, कुकू ने जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से वो बाहर आया और गैस स्टोव के पास आके खड़ा हो गया। जब लेडी जो है किचन में वो आई तो कुकू ने उसे विश किया, लेकिन लेडी जो है उसके फ्रेंडली मतलब नेचर को वो समझ नहीं पाई, इशारे को समझ नहीं पाई, तो उसने तुरंत क्या किया स्प्रे निकाला और कुकू के ऊपर स्प्रे कर दिया। तो क्या हुआ, कुकू का जो सोल था मतलब उसकी जो आत्मा थी तुरंत उसके फैमिली के पास पहुँच गई। ये हमारी वर्कशीट यहीं कम्प्लीट होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।